जय हो भारत माता की, जय हो भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, झगड़ा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, झगड़ा जीतेगा। कल सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का जो कार्यालय है सर्कुलर रोड के ऊपर, इसका उद्घाटन करेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से सिरसा की जीत होगी और कमल का जो फूल जाएगा चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। सिरसा सीट पर सर चुनाव बड़ा कड़ा है, क्या मानते हैं किस? हम तो कड़ा नहीं मानते, जैसे आपको अचंभा होगा तो ये टिकट कैसे आई है, हुआ था कि नहीं हुआ था रात को, ऐसा अचंभा होगा आपको 8 तारीख को। आपको पता था भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री बना है बहुत सामान्य परिवार से है और मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, बहुत लोगों का बड़ा 2009 का भी इलेक्शन आप लड़ चुके हैं, हाँ 2024 में फिर आपको पार्टी ने भरोसा, उन्होंने बहुत भरोसा जताया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरी जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे ये जो टीम है कार्यकर्ता को इतना जोश हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। तो कैसे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे सर, क्या रणनीति रहेगी पूरे चुनाव की बात करें तो? देखो सरसे के विकास की करेंगे हम जी, नशा जो फैला हुआ है वो भी, जो भी कोई लगभग तो हमने पूरे काम बहुत किए 10 साल में, इनका जो पीछे का कचरा साफ किया है अब उनके ऊपर हम बिल्कुल सफाई करेंगे शुरुआत। तो कल कार्यालय का उद्घाटन होगा सर, कौन कौन गेस्ट आएंगे या फिर किसकी बात करेंगे? ये अभी ऊपर से ही अभी कोई तय नहीं हुआ अभी तक तो जी, अपना आप आ जाएगा आपको कल 10 बजे यहाँ सुबह 10 बजे करा जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि अधिक से अपील ये है कि लोगों का तो अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला, जैसे टिकट मिली मेरे को जी, मैं तो पता ही नहीं था, मैं तो मेरे नामांकन पत्र की तैयारी कर रहा था, कोई कागज कहीं से ला रहा कोई कहीं से ला रहा, अपने आप ही आए हैं कल और ऐसे ही। अब मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि कल भारी से भारी संख्या के अंदर आए और मेरे को आशीर्वाद दे और कमल का फूल सिरसा के अंदर खिलाए। अच्छा कैसा महसूस हुआ जब रात को पता चला कि टिकट अब आपके नाम हो गई है? मैं क्या बताऊं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था भाई, मुझे टिकट मैं किसी के लिए मैं सारी मीडिया सामने नहीं बता सकता, टिकट मेरे तो परिवार के किसी के यकीन नहीं होया, टिकट मिल गई छोड़े नहीं दिया सारा मैं को, क्योंकि सारी निगाह ही थी सिरसा सीट के ऊपर जी, तो इसके अंदर तो सारे परिवार के बच्चे सारे रात को भाई ये क्या हुआ, मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस टिकट मिल गई तो अच्छा हुआ महसूस। जो संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसका करेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। इलेक्शन में लगभग बहुत कम समय बचा है, कैसे आगे के टूर प्रोग्राम? समय तो एक ही दिन का होता है और वो हमारे पास आज 20-21 दिन पड़े, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग बुला रहे हैं, सारा परिवार सारे मेरे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे अमन जी हो, मुकेश जी हो, हमारे घोटिया जी हो, बाबू राम जी हो, अरे लाखा मरगा हमारा सिंह साहब जी है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत हमारे कार्यकर्ता लगे हुए सारे, मतलब प्रॉपर कमल खिलेगा इस बार, बिल्कुल खिलेगा, आप देखते रहोगे 8 तारीख को। ओवरऑल कैसा देखते हैं हरियाणा में बीजेपी का? हरियाणा में सरकार बनाएंगे, जितने काम हमने 10 साल में किए आज तक किसी ने नहीं किया, जितने सरकारी नौकरी में किसी आदमी का एक का पैसा नहीं लगा, जितना जो इस सरकार में जो काम किया है, आज मैं गाँव में जाता हूँ गरीब से गरीब बच्चे लगे हैं वो कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को टिकट देंगे,